हाय, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। तो ये है हमारे रूम का पीछे का हिस्सा और ये है भरत भाई का खेत। और जो सामने छोटा सा कमरा दिख रहा है वो है पूरब दिशा, वो सनसेट पॉइंट है। और ये है बैक साइड हमारे रूम की। सुबह का एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया लगता है। और ये है इस तरफ से, ये दोनों दरवाजे आमने सामने ही है, वो है फ्रंट डोर। और हमारे शौर्य बाबू सो रहे हैं। और ये है रूम, सिर्फ सामान है, मतलब बैग्स वगैरह है, सामान नहीं है, फर्नीचर नहीं है, सब कुछ बाकी है। और ये है परेश के मम्मी, मेरे मदर इन लॉ। हमारा बैड लक कि हम सिर्फ 15 दिन साथ रहे, फिर हमारा साथ छूट गया, अब वो नहीं है। इस तरह से ये है व्यू, ग्रीनरी ज़्यादा है अभी विंटर की वजह से। और ये है बाथरूम, बाथरूम थोड़ा बड़ा करवाया है क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन भी अंदर ही रखना है। तो ये है राइट साइड बाथरूम। और इस तरह से ये है हमारा प्राइवेट रूम। एक ही रूम लिया है क्योंकि किचन उस तरफ है, ज़्यादा रूम लिए ही नहीं है, सिंगल रूम। इतनी ठंडी हवा चल रही है, मतलब ये मौसम विंटर में फैब या जनवरी एंड तक तो रहेगा ही, मार्च का पता नहीं, मार्च में थोड़ी धूप रहती है। मार्च का इसलिए है क्योंकि हम जब मार्च में आए थे 23 मार्च को, तब लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, तो फर्स्ट लॉकडाउन में हम यहीं रहे थे पूरा एक महीना। हमें यहाँ रहना पसंद है इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन है तो आप यहाँ भी रहो या फिर शहर में रहो, रहना तो घर के अंदर ही था, तो मतलब लॉकडाउन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ आ गए और फिर लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो हम फार्म पे ही थे। ये गेट अक्सर बंद रखते हैं क्योंकि हितेश भाई का खेत का रास्ता भी यहाँ है और नील गाय फिर जंगली सुअर वगैरह रहते हैं। अब ये गेट खुला है और ये है जंगल। जंगल की एक बात है, जब भी हम पैर रखते हमें कुछ नजर नहीं आता तो हम बोलते कि कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है गाइस, लेपर्ड, शेर और छोटे से छोटा जीव भी हमें सबसे पहले देख लेता है क्योंकि ये उनका घर है। हमें जब कुछ नज़र नहीं आता तो हम ये मानते हैं कि अरे यार कुछ नहीं है, लेकिन ये गलत है। मान लो अगर शेर बैठा है या फिर कोई भी सांप वगैरह वैसे तो रात को निकलते हैं, लेकिन उन्हें हमें चलने की आवाज़, हमारी एक तो हमारी बकबक करने की आदत है क्योंकि हम तो इंसान हैं तो चुप तो नहीं रहेंगे। मैं तो वीडियो कर रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ, तो मतलब ऐसा मत समझो कि हमें कोई देख नहीं रहा है, ये उनका घर है। इनकी नज़र बड़ी तेज़ होती है, अगर वो झाड़ियों में बैठे हैं तो भी हमें देख रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कहेंगे कि भी हाँ आओ हम यहाँ बैठे हैं। ये है गिर फॉरेस्ट, ऊपर हील है और उस साइड अभी जंगल है और फिर उस साइड सुरवा गांव का रास्ता है, मतलब ये पूरा घूम के आकलवाड़ी से मिलता है। तो ये पूरा जंगल है, जंगल का रास्ता। यहाँ अक्सर जो चारण गढ़वी लोग बोलते हैं, मालधारी में कई मतलब कास्ट रहती है, वो अपनी गाय भैंस लेके यहाँ आते हैं जंगल में, क्योंकि हरा है तब तक ये आते रहेंगे। खेतों में भी लाते हैं, खेतों में जब फसल कट जाती है तो खेतों में भी लाते थे। ये हितेश भाई ने मूंगफली मतलब इस बार की थी, तो जो वेस्टेज है उसके साफ करने के लिए फिर अक्सर गाय भैंस वहाँ छोड़े जाते हैं। एक तो दो फायदे हैं, एक तो फसल के बाद का जो कचरा है वो साफ हो जाता है, और गाय भैंस से जो गोबर का खाद मिलता है वो खेतों के लिए, जमीन के लिए बहुत ही बढ़िया है। गोबर का खाद सबसे बढ़िया है खाद में। यहाँ जब मानसून में पानी वगैरह कीचड़ रहता है तो भैंस यहाँ बैठती है। ये है जंगल का रास्ता गाइज। ये मतलब यहाँ जंगली जानवर, स्पॉटेड डियर, सुअर वगैरह, ये अक्सर रात को आते जाते हैं।
मैंने एक पॉर्क्यूपाइन की पैर भी देखी है, लेकिन हम जब भी देखने के लिए टॉर्च लगाते हैं ना तो वो भाग जाते हैं। मैंने हमेशा एक पैर देखी है, और ये है रास्ता, और लेफ्ट साइड हमारा गेट। मैंने पहले वीडियो में जो बताया था वो रोड के साइड का गेट था, मतलब अंदर आने का रास्ता था, और मैं इस दूसरी साइड से आ रही थी। मैंने वीडियो शुरू किया था, मेरी ननन का जो फार्म है वहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था, और मैं पूरा घूम के आई हूँ आज। जंगल में बहुत शांति रहती है, जंगल में खेत वगैरह में अक्सर दो लोग की अगर बात करते करते आते हैं ना तो भी पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। जंगल में बहुत ही शांति रहती है। वो रहा अपना फार्म। अभी इतनी धूप नहीं लगती, पवन रहती है, हवा ठंडी, विंटर की वजह से अभी आप दोपहर के कितने भी 12 बजे 1 बजे निकलो धूप नहीं लगती, क्योंकि ठंडी हवा चलती है। ये धीरे धीरे सब सूख जाएगा, आई थिंक नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्टिंग में सब सूख जाएगा, फिर हिरन वगैरह जो भी है हमें क्लियर दिखेगा। मिट्टी में फुटप्रिंट है हिरन के, इतने क्लियर नहीं है, वरना मैं ज़रूर दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने वीडियो लिया था सेकंड, जब वहाँ से स्पॉटेड डियर भागे थे मुझसे डर के। तो ये है, मैंने बोला था ये दूसरा रास्ता, मैं जंगल के साइड से आई हूँ, और ये है हमारा फार्म। आज शौर्य बाबू हमारे सो रहे हैं तो मैं फ्री हो गई, जब भी फ्री होती हूँ वीडियो के लिए बाहर निकलती हूँ, मतलब तब मेरा एडिटिंग का काम या फिर वीडियो का काम हो जाता है। आज हमारा शौर्य बाबू सो गए, वरना वो इतना खेलता है, सुबह जल्दी उठने की आदत है ना।